स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं साक्षी शर्मा और पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लोकसभा चुनावों को लेकर देश भर में इस वक्त चुनावी खुमारी छा रही है और इसी के तहत नेताओं का चुनावी प्रचार भी जोरों पर है और इस चुनावी प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान से निकलते शब्द ने भी राजनीति का तापमान बढ़ाकर रखा हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री अनिल विज जो लगातार अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं, वो एक बार फिर से विवादित बयान के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। विज ने इस बार राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। वहीं विज ने आप जेजेपी के गठबंधन पर तंज कसते हुए इस गठबंधन को 0+0=0 बता दिया है। जो व्यक्ति एक कैमरे की फ्लैश से डर गया वो देश की रक्षा क्या करेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो सीमा पर जाकर पाकिस्तान की और चाइना की बॉर्डर पर जाकर दिवाली मनाता है और एक आदमी अंदर फ्लैश की लाइट से ही घबरा गया, उसको तो माँ के आंचल में छुप जा। 0+0=0, दोनों जीरो हैं। और जो जेजेपी पार्टी है उसने अपने परिवार का गठबंधन तोड़ दिया, अपने पार्टी का गठबंधन तोड़ दिया, अब वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन धर्म क्या निभाएंगे। और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल ने तो अपने असूलों से गठबंधन तोड़ दिया। जिन मुद्दों को लेकर उसने पार्टी बनाई थी उन मुद्दों को तोड़ दिया। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी, दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। तो ये तो जीरो ही है। तो हमेशा अपने बयानों के चलते चर्चाओं में बने रहने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर वे कैमरे के फ्लैश से डरते हैं तो उन्हें अपनी मां के पल्लू में छिप जाना चाहिए। चुनाव का दौर है और इसी बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच अनिल विज का ये विवादित बयान। वहीं उन्होंने हरियाणा में आप और जेजेपी के गठबंधन को लेकर भी बयान दिया है और कहा है कि आप और जेजेपी दोनों का ही कोई वजूद हरियाणा में नहीं है और दोनों मिलकर चुनावों में कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं ये भी दावा ठोका है कि 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी सहयोग के बिना अपने दम पर यह चुनाव जीतेगी। यह दावा भी अनिल विज ने ठोका है। तो कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने विवादित बयान के लिए चर्चाओं में बने हुए हैं, जहां एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है, वहीं दूसरी ओर आप जेजेपी के गठबंधन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार आप और जेजेपी के गठबंधन के बाद से विपक्षी दलों की, अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने इस गठबंधन को बेअसर बताया है। जो व्यक्ति एक कैमरे की फ्लैश से डर गया वो देश की रक्षा क्या करेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो सीमा पर जाकर पाकिस्तान की और चाइना की बॉर्डर पर जाकर दिवाली मनाता है और एक आदमी अंदर फ्लैश की लाइट से ही घबरा गया, उसको तो माँ के आंचल में छुप जा। 0+0=0, दोनों जीरो हैं। और जो जेजेपी पार्टी है उसने अपने परिवार का गठबंधन तोड़ दिया, अपने पार्टी का गठबंधन तोड़ दिया, अब वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन धर्म क्या निभाएंगे। और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल ने तो अपने असूलों से गठबंधन तोड़ दिया। जिन मुद्दों को लेकर उसने पार्टी बनाई थी उन मुद्दों को तोड़ दिया। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी, दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। तो ये तो जीरो ही है।
तो चलिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता वंदना जी जुड़ गए। वंदना जी, जानना चाहेंगे आपसे, अनिल विज ने बयान दिया है और राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी अगर कैमरे की फ्लैश से डरते हैं तो उन्हें अपनी माँ के पल्लू में छिप जाना चाहिए। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिल विज जी ने इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि वो खट्टर सरकार के इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिनका पूरा ध्यान जो है इस तरह से रहता है कि किस तरह से गांधी ने मंत्री पर लगातार से अटैक किया जाए। बाकी करते हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक ही जगह ध्यान रहता है कि खट्टर नेहरू फैमिली पर, गांधी नेहरू फैमिली पर किस तरह से अटैक किया जाए। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि वो कैमरे की फ्लैश से डरते हैं। कैमरे की फ्लैश से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज से डरती है, लोगों की आवाज से डरने लगी कि जिस तरह से लगातार विरोध होता जा रहा है, क्योंकि काम कुछ हुए नहीं है और जनता 5 साल का जवाब मांग रही है। तो आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब के बदले में क्या करते हैं, अगेन फिर से गांधी फैमिली को आगे कर देते हैं। सिर्फ जब ये पावर में आए थे तो उन्होंने नाम लिया था कि कांग्रेस के गड्ढे, कांग्रेस के गड्ढे। अब 5 साल हो गया, फिर तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसे कौन से गड्ढे थे जो इन्होंने भरे, या ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इन्होंने करा है। तो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो बयान है लगातार इनकी तरफ से आते रहते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी और भी आएंगे। अनिल विज ने यह भी कहा है कि चाहे कोई भी गठबंधन हो, चाहे आप या जेजेपी का गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी अन्य पार्टी, हरियाणा में बेअसर है। और उन्होंने वहीं 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है कि बिना किसी सहयोग के बीजेपी 10 सीटों पर फतह करेगी। मैं उन्हीं 10 सीटों की बात कर रही हूँ कि 10 सीटों में लगातार उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। आपके सामने की बात है, फरीदाबाद का ले लीजिए, सिरसा में सीता दुकल का ले लीजिए, किस तरह से जवाबों से भक्ति नजर आई। फरीदाबाद में लगातार अपोज हो रहा है, पलवल में लगातार अपोज हो रहा है, हर जगह की जो है भारतीय जनता पार्टी का अपोज होता है। तो उससे डरने के लिए, एक्चुअली ये डर राहुल गांधी का नहीं बता रहे, डर अपना छुपा रहे हैं। जिनको मालूम है कि जनता के पास जवाब देने के लिए नहीं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। कभी टैंकी पे चढ़ रहे होते हैं, गब्बर कहे जाते हैं, पर गब्बर वाले काम नहीं करते हैं ये। इनमें वो कहते ना कि शेर दिल नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करते हैं हर समय। जो अगर इनसे कोई और पूछा जाए कि विभाग के बारे में, तो ये अंबाला कमिश्नरी पे प्रश्न उठा देते हैं। तो ये हमेशा अपनी बातों से बचते आए हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं जब उनके पास जवाब नहीं है, उनको मालूम है कि हर जगह अपोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब देना, तो चलिए राहुल गांधी पे बोल देते हैं कि राहुल गांधी जी फ्लैश से। मुझे लगता है जितने ज्यादा वो लोगों के बीच में रहते हैं तो उतने तो मोदी जी कहीं दिखाई नहीं देते। मोदी जी मन की बात करते हैं और राहुल जी जन की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा अंतर है और सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। जी वन्ना जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी पर तंज कसा है अनिल विज ने। वहीं आप और जेजेपी के गठबंधन को भी कटघरे में खड़ा किया है और इसे बेअसर बताया है हरियाणा में। तो अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहने वाले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। एक और जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने बयान के जरिए घेरा है अनिल विज ने। जहां अनिल विज ने आम आदमी पार्टी और जेजेपी के गठबंधन को बेअसर बताया, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए शब्दों की मर्यादा तक खो दी और कहा है कि अगर वे कैमरे के फ्लैश से डरते हैं तो उन्हें अपनी मां के पल्लू में छिप जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बयान का विरोध कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि एक वरिष्ठ मंत्री को इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। वह उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जहां एक मोबाइल के फ्लैश से, कैमरे की फ्लैश से डर जाते हैं,
तो वे देश की रक्षा कैसे करेंगे?